हेलो फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ई कल्याण के थ्रू स्कॉलरशिप का आवेदन करना चाह रहे होंगे और आपको आवेदन करने में इस तरह से दिक्कत आ रहा होगा, जैसे कि स्टूडेंट मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट, या फिर नो डिटेल्स फाउंड, या फिर यू वांट टू चेंज योर एग्जिटिंग मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर न्यू मोबाइल नंबर। अगर आपको ई कल्याण के थ्रू स्कॉलरशिप आवेदन करते समय इस तरह से एरर आ रहा होगा, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप ई कल्याण के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते होंगे तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हैं हम अभी अपना गूगल का क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। सिंपली आपको गूगल के सर्च बार में टाइप करना होगा ई कल्याण झारखंड। उसके बाद आप लोग के सामने जो पहला रिजल्ट आएगा आप यहां देख सकते हैं ikalyan.cwg.gov.in। सिंपली आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल में चले जाइएगा। इसका लिंक हम डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप ई कल्याण के ऑफिशियल साइट पर आ सकते हैं। ये जो साइट आप देख रहे हैं ये ई कल्याण का ऑफिशियल साइट है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ई कल्याण में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फिर लॉगिन कर रहे हैं और आपको बहुत तरह का समस्या आ रहा है, कैसे आप उस प्रॉब्लम को 2 मिनट में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैंडिडेट का लॉगिन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट, अगर आप झारखंड से होंगे और झारखंड में ही आपका कॉलेज होगा तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। इस वाले कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और इस वाले कॉलम में पासवर्ड फिल करना है और इस कैप्चा को इस वाले कॉलम में फिल करके लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ से हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से एरर आ रहा है, नो डिटेल्स फाउंड। यानी कि दोस्तों, आप जिसका भी यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर रहे हैं उसका नो डिटेल्स फाउंड आ रहा है। तो कैसे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि अगर आपको ई कल्याण के थ्रू स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहां से ओके वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। ई कल्याण के ऑफिशियल पोर्टल पे दोबारा से बैक आ जाइएगा। सिंपली दोस्तों, अगर आपका आईडी पासवर्ड ई कल्याण के पोर्टल में पहले से बना हुआ है और लॉगिन करने में उस तरह का नो डाटा फाउंड यानी कि नो डिटेल्स फाउंड का एरर आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपली फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तो फ्रेंड, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना होगा, इसमें नाम, इसमें डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से मोबाइल नंबर फिल करके सिंपली आपको वेरीफाई आधार डिटेल्स वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा। उसके बाद फादर ने मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा और आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो नंबर आप यहाँ पे दीजिएगा इस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आप ई कल्याण के पोर्टल में सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद दोस्तों, फिर आपको इसी वाले साइड पे बैक आना है और यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक करना होगा और जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा उस पासवर्ड के साथ आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ देख सकते हैं जो आप अभी रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डालिएगा उस नंबर को यहाँ डालना होगा और जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय पासवर्ड सेट कीजिएगा उस पासवर्ड को यहाँ डालना होगा और इस कैप्चा को इस वाले सेक्शन में फिल करके सिंपली आपको लॉगिन वाले सेक्शन में क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों, आप सक्सेसफुली ई कल्याण के वेबसाइट में लॉगिन हो जाइएगा और वहाँ से आप
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू स्कॉलरशिप का आवेदन कराना चाहते होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, सिंपली आपको उस नंबर पर संपर्क करना है और या तो आपको अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करना होगा या फिर ईमेल करना होगा और हमारे थ्रू आपका इकल्यान का स्कॉलरशिप का आवेदन कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इकल्यान के थ्रू स्कॉलरशिप आवेदन करते समय इस तरह का समस्या आ रहा होगा तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं वो आपको हम इस वीडियो में लाइव बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे थ्रू इकल्यान का स्कॉलरशिप का आवेदन कराना चाहते होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, सिंपली आपको उस नंबर पे कॉल करना है और अपना डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है और फ्रेंड हमारे थ्रू आपका इकल्यान का स्कॉलरशिप का आवेदन कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।